हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग्स। तो गाइस, आप देख पा रहे हैं मेरा हालत क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा हो रहा है सर्दी एंड खांसी, एंड मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ, ठीक से खांस भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा सो रहा है एंड उसको सुलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो सोता नहीं है। तो ज़बरदस्ती मैंने सुलाया, तो मेरा खांस के वजह से ताकि ये उठ ना जाए, तो मैं बाहर निकल गया। तो बाहर निकल कर अभी मैं जा रही हूँ तुलसी का पत्ता तोड़ने के लिए, क्योंकि तुलसी का पत्ता से बनाने वालों एक रेमेडी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक्चुअली ये रेमेडी सबको ही पता होता है जो मम्मी है, तो मुझे लगा आप लोगों को भी शेयर करूं, फिर भी तो मेरा रेमेडी शायद अलग हो सकती है, अलग कुछ भी नहीं है। तो मैं जा रही हूँ किचन की ओर। तो किचन की ओर जाते हुए मुझे यहाँ पे मिला दूध, क्योंकि दूध वाला आके यहाँ पे दूध रख गया। तो अभी सबसे पहले इसको मैं फ्रिज में डाल लेती हूँ ताकि ये खराब ना हो जाए। तो अभी मैं रेमेडी स्टार्ट कर रही हूँ, तो सबसे पहले इसमें मैंने अदरक का पेस्ट बनाया, क्योंकि अदरक का पेस्ट डालना बहुत ही ज़रूरी है। एंड इसमें तुलसी का लीफ, एंड इसमें मैंने डाला हनी। तो ये बहुत ही ज़्यादा उबलने के बाद गर्मा गर्म मैं पीने वाली हूँ। तो मेरा रेमेडी हो गया रेडी, तो अभी मैं पीने जा रही हूँ। तो गैस मैं पी रही हूँ, ये पीने के बाद मुझे अभी बहुत ही अच्छा महसूस होगा, क्योंकि ये मैंने जब भी मेरा खांसी या सर्दी होता है मेरा बेटा को भी खिलाते हैं, मैं भी खिलाते हैं। इसमें गुल मरीच डालना जरूर, क्योंकि मेरा पास गुल मरीच नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। गुल मरीच मतलब ब्लैक पेपर बोलते इसको इंग्लिश में। तो ये भी डालना, क्योंकि ये डालने से और भी मज़ेदार होते हैं। तो सबको बाय बाय एंड टेक केयर।